दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्राई टू न्यू के नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ पंजाब बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, 12वीं का रिजल्ट घोषित हो गया है, लेकिन यहाँ पे वेबसाइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। किस तरह से आपको रिजल्ट फटाफट से चेक कर लेना है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, साथ ही इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। और आपको क्या इशू आ रहा है रिजल्ट देखने में, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, यहाँ पे मैं सिंपल सा तरीका आपको बता देता हूँ किस तरह रिजल्ट चेक कर। उससे पहले दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे रिजल्ट को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम, यानी कि टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, वेबसाइट यहाँ पे जो है बंद हो चुकी है। तो रिजल्ट को किस तरह से चेक करना है, किस वेबसाइट पर जाकर के रिजल्ट सब यहाँ पे चेक करेंगे, तो रिजल्ट चेक करने के लिए आपको जो वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उस पर आपको जाना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं नाउ अवेलेबल, यानी कि रेट यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है इस वेबसाइट पर। और ये वेबसाइट देख सकते हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। तो यहाँ पे आपको जाना है फटाफट से, और यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल देना है। रोल नंबर डालने की स्ट्रीम अपना सेलेक्ट करना है, आपका कौन सा स्ट्रीम है, आर्ट है, साइंस है, जब सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे डिटेल भरने के बाद यहाँ पे फटाफट से आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका जो रेट होगा आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल से आपको डिटेल ये भरनी है, रोल नंबर भरना है, नाम भरना है। उसके बाद यहाँ पे एक किसी से भी आप चेक कर सकते हैं।